हेलो गाइस, नमस्ते। मैं बनाने जा रही हूँ चाउमीन, आप लोग को दिखाती हूँ। पहले गैस भरा लें, उसके बाद कढ़ाई बैठा दें, फिर पानी निकाल के उसमें 2 कटोरी पानी डाल दें। थोड़ा सा कम हो चुका है, थोड़ा और पानी डाल दें। उसके बाद चाउमीन को पैकेट को फाड़ लें। फाड़ने के बाद इसे गर्म पानी में डाल दें, जिसको जितना खाना है उसी हिसाब से डाल दें। हम लोग का रात का खाना नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। आप लोग अपना हिसाब से डालें, थोड़ा सा इसको पानी में डुबो दें। थोड़ा सा इसको होने दें, थोड़ी सी और पानी लग गई तो इसके ऊपर से आप लोग पानी दे सकते हैं। इसको थोड़ी सी अच्छे से डुबो देती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देती हूँ। हमारा चाउमीन सीज चुका है, अब मैं इसे धो लूँगी। और जब तक चाउमीन सीझा तब तक मैंने छोटे छोटे 2 कतरे का प्याज मैंने काट लिया हूँ। अब मैं जा रही हूँ इसको धो के लाने। मैंने चाउमीन को धो लिया है, देखिए धोने से कितना फ्रेश हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी बैठा दिया है, और ये मैं ले रही हूँ रिफाइंड तेल, अपनी अंजाद से लें। जितना चाउमीन उस हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा डालने से चाउमीन जनों सट ना जाए। मेरी यहाँ तेल गर्म हो चुकी है, मैं इसमें 2-4 कतरे डाल दूँगी। उसके बाद प्याज मैं डाल रही हूँ, इसको थोड़ी सी ब्राउन कलर तक मैं भूज लूँगी। टेस्टी बनेगा दोस्तों ऐसा प्याज, कभी चाउमीन बना के देखिए। मैं इसमें कुछ नहीं डाली हूँ, बस नॉर्मल प्याज ही डाली हूँ। और चाउमीन डाल के नमक हल्दी थोड़ा सी डाल के सूखा गुंडी और थोड़ी सी जीरा है, जीरा गुंडी करके रखी हूँ मैं, उसको डाल के इसको मैं उतार लूँगी। मेरी प्याज थोड़ी सी भूज चुकी है, मैं इसमें चाउमीन डाल लूँगी। थोड़ी सी गैस कम कर देती हूँ। पकड़े स्वाद अनुसार नमक मैं डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी भी डालूंगी मैं, आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, तो नहीं भी डाल सकते हैं। यह है जीरा गुंडी, मैं थोड़ी सी डाल दूंगी
स्वाद बनाने के लिए। इसको मैं ठीक तरह से मिलाऊंगी। इसको अच्छी तरह से मैं हिला लूँगी। देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना है। आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। मैंने अच्छे से धो लिया था, बोलते देखिए मेरा कढ़ाई में भी नहीं सका है। ये भी पूरा अच्छा सा हुआ है झरझर। कप लेता है कप दुगन। इसमें मैं 200 की पाउच डाल दूंगी, जरा और मजेदार हो जाए खाने में। आप चाहे तो प्लेट में भी ले सकते हैं, उसके बाद डालें। मुझे तो इस तरह से ज़्यादा ही अच्छा लगता है। एक ही डाली हूँ, एक प्लेट में डालूंगी टेस्ट के लिए। हमारा चाउमीन बनकर रेडी हो गया है। देखिए देखने में इस तरह लगे, ऊपर से थोड़ा सा सॉस जाए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों देखने में। अभी मैं खा के देखती हूँ किस तरह से बना है और आप लोग को बताती हूँ। बहुत टेस्टी बना है दोस्तों। आप लोग घर पे अगर ट्राई कर देखो, बहुत टेस्टी लगेगा। क्या बताओ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक करें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, गुड नाइट।